जलेबी का सांगा। देखना कितनी बड़ी जलेबी है। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे तक ना यहाँ पर नाश्ता बन जाता है और 7:30 बजे तक नाश्ता खा भी लेते हैं। राज मम्मी नाश्ते में बना रही हैं जलेबी, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको जलेबी बनाना। ये जो आपको दिख रहे हैं ना सामने, ये झाड़ू के पेड़ हैं। इनका ना बहुत अच्छा झाड़ू बनता है। देखना मम्मी ने बहुत सारे लगा रखे हैं। ये भी हैं, देखना कितने सुंदर लग रहे हैं। एक ये है, ये देखना छोटे छोटे टमाटर भी हो रखे हैं। ये देखना इतना सुंदर लग रहा है ना पेड़। ये सूख के ना झाड़ू बन जाते हैं। सारे झाड़ू के पेड़ लगा रखे हैं। ये वैसे भी दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। ये गुलाब का पेड़ है हमारा। तो मम्मी ना सुबह सुबह जलेबी बना रही है। हाँ। देख तेज कर, बड़ी बना ना, दो ही बना, बड़ी बड़ी बना, क्या मट्टी लग रही है। तिल तो वही बने जो हम खाना चाहते हैं। तम्मो भी उठ गई, नींद नहीं खुल रही उसके अभी। तो आप जलेबी को ना सीधे रखा रात में, यही बचा था इसकी वजह से बना रही मम्मी। मम्मी बोल रही खराब हो जाएगा तब तक, फिर मम्मी ने बोला दूसरे दिन बनाएंगे। क्या गुंडू पर भी लगे बल्ली भला बल्का तो जले नहीं पड़ा। अब मम्मी ने ना पोलिथीन की दूसरी साइड से कर लिया बारीक सा छेद। अब सही बन रही है, पतली पतली देखना सही बनी। तो आप देखना अब अच्छी बन गई जलेबी, अब लग रही है जलेबी सी। पहले वाले तो कुरकुरे लग रहे थे। मैंने भी जब फर्स्ट बार जलेबी बनाई ना तो ऐसी बनी थी, और दूसरी बार बिल्कुल बेकार बनी थी। बेसन भी ना अलग अलग रहना ना। पहला दिन ना किचो बच्चे जो बढ़िया नहीं। तो डब्बा तैयार करने लग गई मिठाई का। काम मिल गया तमन्ना को, अभी उसकी नींद भी नहीं खुली सही से। वही नहीं डाल। मम्मी बोल रही है जलेबी बनाने में कोई कमी रह गई होगी तो जरूर कमेंट में बताना क्या क्या रखते हैं, क्या क्या कैसे। मैंने तो यूट्यूब में देखा इसलिए बना रही हूँ। क्या क्या डालती थी? मैंने कुछ नहीं रखा इसमें, मैदा रखा थोड़ा, यूनो रखा थोड़ा, दही रखी। तो मम्मी बोल रही मैंने इसमें इनो और दही और मैदा रखा है और उस कुछ नहीं, कलर थोड़ा सा। आते बाद जलेब खाई जाइए, वैसे ना जलेबी याद आ रही थी करारी वाले। आज तो बहुत करारी बन रखी है, खा जा। तो ये बन गई हमारी इतनी जलेबी। मम्मी ने एक जलेबी बहुत बड़ी बना रखी है, जलेबा लग रहा है ये। जलेबी का सांगा। देखना कितनी बड़ी जलेबी है ये, सबसे लास्ट में बनाई जलेबी का राजा। तो चलो तब नाश्ता करते हैं। तो मना तो अभी ब्रशी कर रही है। जी, और रुद्र तो अभी सो रखे हैं और मामा वीडियो एडिट कर रहा है अंदर। नाना ना बाहर कर रहे हैं नाश्ता। तो अब सब नाश्ता कर रहे हैं, आइए है मामी। गर्म गर्म जलेबी भी खा जाओ, सुबह सुबह नाश्ते में जलेबी पहली बार। थोड़ा सा देना, ज्यादा हो गई। तो चलो तो पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद ना खेत में जाएंगे। यहाँ पर ना 7:30 बजे तक नाश्ता हो जाता है। मम्मी रोटी में ही खा रही है भुज्जी, अरे उसके साथ मिर्च। अब मिर्च तेरी तो माप के लिए रखी थी, एक रखना कितना निका। और उसके बाद खेत में जाएंगे काम करने के लिए। यहाँ पर ना खाना अच्छे से पाचन हो जाता है और नाश्ते के बाद खाएंगे जलेबी। और ये मक्खियों ने ना ऐसे कर रखा है ना।
आज तो आदि भी जल्दी उठ गए, दिव्यांशी और रुद्दु तो सो रखे हैं अभी। तो अब हमने नाश्ता कर लिया और मम्मी और चले गए खेत में, मम्मी और भाभी और दिव्यांशी भी उठ गई। और आज मैं घर का काम करूँगी क्योंकि मम्मी ने बोला मेरे सूट फिटिंग भी करनी है और कपड़े भी धोने हैं, तो मैं पहले कपड़े भिगा देती हूँ और उसके बाद थोड़ा मशीन चलाऊँगी। ये देखना ये उठ गई, उठ के नल के सामने चली गई। आ जा इधर आ जा, रोटी खाएगी है, देखना आ इधर आ, आशा बस आलू ही ना रोट खाने दिल है, है? दीबू दीबू रोट खाने, उठ के ना इसने जलेबी खा ली, देखना किसने दी तेरे को जलेबी, आदि ने। अब दादा के साथ चले गए ऊपर, हाँ अच्छा है ना, आ जा रोटी खाएगी है। अब आ गई रोटी खाने के लिए। रुद्दु और रुद्दु के पापा चले गए बैजरो, आ जा ये ना कभी यहाँ से गिरेगी, यहीं पर झूलती रहती है, देखना फिर खा रही है, इसको ना अच्छी लग रही है जलेबी, अच्छी है, आप लोग भी खा जाओ, बोल भाग गई। अब दीपू करेगी नाश्ता, बाकी सब ने कर लिया नाश्ता, इसमें ना थोड़ी सब्जी रखती हूँ, है ना, है ना, मैं एक टुकड़ा खा रही है भाग जा रही है। तो अभी मैं और देवांशी बना रहे हैं मुरमुरे और मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही है और मामी भी खेत से आ गई और नाना ने भी नहा लिया है। ये देखो मुरमुरे खा रही है वहां से, क्या खा रही है तू, तूने नहाया अभी नहीं नहाया। तो अब दीपू ने भी नहा लिया, तमन्ना नहा रही है और दीपू की दादी भी आ गई खेत से, सीधे अंगूर लेने चले गई। ये देखना इतनी बड़ी वेल है हमारी अंगूर की, इस पे अंगूर हो रखे हैं पर अभी कच्चे हैं, पक गए हैं, देखना मम्मी ले आई, हाँ पापा पक्या छियो, ये इन्हीं रहनी गोल अंगूर छी नहीं हो, ये देखो इतनी, तो ये देखना इसमें थोड़े से पक गए अंगूर और थोड़े कच्चे हैं। मम्मी ने ना ये इस बेल पिछले साल लगाई थी, देखना इस साल अंगूर आ गए इस पे। बुरे तुम्हारा घर बलियो मैं चोर के, हाँ बेल सुमन देखनी चाहिए वो ना बेल, हाँ जयंत अमित लड़े हुए। मम्मी ने दीपू मांग रही है दादी में कि मेरे को अंगूर दे दे, बब्बू करो कि घर से लाए, मैं घर से लाए, ये देखना वैसे हो तो रखे पर अभी सारे कच्चे हैं। नहीं ऐसे होते जो पके रहते वो छाले लगते हैं ना, छाले छाले, हाँ इसको देखना कान होने चे, कान होने चे, कान होने चे, इन कर दी बाल होने चे, मेरे देवू कौन सा ना वो बाद मेरे देवू आएगी ना और देवू खाएगी हमारी, है ना, हमारी बुढ़ी खाएगी, हमारी बुढ़ी दादी को खिला, दादी को खिला, खिला दादी को, देवू कैसे हो रहे हैं, सच बता कैसे हो रहे हैं, खट्टू डाल की चा थूक थे थूक ले रखा, छाला वाला देवी था, कौन होना चाहिए छाला वाला बड़े मीठा होना चाहिए, तो ये देखना ये लगे हुए हैं अंगूर, ये अभी कच्चे हैं, इधर भी लगे हुए हैं, ये देखना इतने इतने गुच्छे हो रखे हैं अंगूर के, सारे कच्चे हैं अभी। क्या बोला दादा ने, नहीं खा रहे दीपू ना दादा को देने गई थी अंगूर और दादा नहीं खा रहे, दिए तो नहीं दादा को है, क्या बोला दादा ने, क्या करे क्या थे? पर
इसको ना ज्यादा पसंद आ रहे हैं अंगूर। ना मैं नहीं खाना है ना, तू खा ले। हाँ जा, अब नहीं खाना है। तो चलो तो आप खाना खाते हैं। और आज हमने खाने में बना रखी है मूली की थिचोड़ी, और पापा तो बाहर में खा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। पापा आजकल बाहर में खाते हैं आराम से, धूप नहीं है ना। दिव्यांशी क्या खा रही, क्या बना है? हाँ दीपू क्या बना है? मूली की थिचोड़ी, आलू और मूली की थिचोड़ी। खा जाओ मूली की थिचोड़ी, खा जाओ और चले जाओ। हाँ आदि बोल रहा है थोड़ा सा ले भी जाओ। दीबू अभी कुछ नहीं बोल रही। हाँ खा, अपने हतल खा खा सा बस। तो अभी मम्मी और मामी बर्तन धो रहे हैं और हमने खाना खा लिया है। मामा और रुद्र जा रखे हैं मार्केट। तो चलो तो मिलते हैं अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि हम कोई भी नया वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय, टेक केयर।